हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है दुर्गेश तिवारी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार से प्लेटफॉर्म आरडी एकेडमी पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जब हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी आप कोई भी सब्जेक्ट देख ले, वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बस फिर कंटिन्यू हम लोग आपके लिए वर्क कर रहे हैं और ईयर लॉन्ग ये सीरीज चलती रहेगी। और क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस बार। और इस समय जो हम लोग कर रहे हैं मैथ्स में, वो चल रहा है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का सबसे स्पेशल टॉपिक आज से शुरू होने जा रहा है, वो पार्शियल फ्रैक्शन। पूरा फुल डिटेल में कवरेज करेंगे इसको, इसको टू पार्ट में करेंगे। आज पार्ट नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 9 है। अगर कोई भी इस बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो आपका सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें 1 to 8। और मैं तो कहता हूँ कि आप इंटीग्रेशन ही क्यों देखें, उससे पहले आप डिफरेंशिएशन को देखें, क्योंकि पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप कोई भी टॉपिक उठा के देखें, 12th का कंप्लीट लेक्चर फुल डिटेल मैथ्स में कंटिन्यू पढ़े हुए आप देख सकते हैं उसको बहुत अच्छे से। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले काम तो आप ये है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत स्पेशल है। और अगर आप बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था आपसे कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन जब करेंगे तो वहां पे आपको एक चीज ऐसी देखने को मिलेगी कि 1/ क्वाड्रेटिक है, उसके फैक्टर हो रहे हैं, तो वहां पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहिए। और नहीं भी कर रहे हैं तो आप परफेक्ट स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आज हम लोग करेंगे उसको पार्शियल फ्रैक्शन से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहली बात तो पार्शियल फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और उनको कैसे स्प्लिट करते हैं ये भी आपको देखना है। तो चलिए हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए, ऊपर न्यूमरेटर में गिवन है, ये केस फर्स्ट है, पी एक्स प्लस क्यू होल अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर इस टाइप का केस है तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। मतलब अगर डिनोमिनेटर में आपका लीनियर फैक्टर है, मतलब एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप, तो उसके ऊपर सिंगल अल्फाबेट आता है। जैसे सिंगल अल्फाबेट इन क्वेश्चन कैपिटल ए आ गया, कैपिटल बी आ गया, जैसे मैं इसमें ही और ले लूँ, एक केस और ले सकते हैं हम लोग। जैसे आपके पास एक केस है पी एक्स प्लस क्यू होल अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस ए बी अपॉन एक्स प्लस बी सी अपॉन एक्स प्लस सी, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसके थर्ड में आपको इस चीज को ध्यान देना है, जैसे मान ले पी एक्स प्लस क्यू है, यहाँ पे न्यूमरेटर में डिग्री कुछ और भी हो सकती है, जैसे मैं तो लीनियर ही ले रहा हूँ बार बार, हो सकता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर भी हो जाए, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री ज्यादा ही होनी चाहिए न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर की कम होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से मान लीजिए इसमें कभी स्क्वायर भी आ गया एक्स प्लस ए, और मान लीजिए यहाँ पर आ गया एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे, उसके में तो इस तरीके से चलेगा ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग भी है। फोर्थ की बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए पी एक्स प्लस क्यू होल अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी है आपका नॉन फैक्टराइजेबल, इसके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाला पोर्शन है इसके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे। अगर इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो इसके ऊपर की चीजें बदल जाएंगी, जैसे यहाँ पे आएगा ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। मतलब ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं और इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इन सारे टाइप को हम लोग सीरियल से डिस्कस करेंगे, मैंने क्वेश्चन में ले रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, मेन वर्क होता है ये जो पार्ट लिखे हुए हैं, इन पार्ट में जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, ये जो आपको दिख रहे हैं, इनकी वैल्यू निकालना ही मेन वर्क है हमारा। इन वैल्यूज को जब हम लोग निकाल लेंगे
यहाँ पे पुट कर दिया जाता है, इसके बाद हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ये आया dx upon x plus 1 into x plus 2 है। अब इसमें हमको क्या करना चाहिए आप ये देखें। सबसे पहली चीज तो 1 upon, नहीं कुछ तो 1 समझे, 1 upon x plus 1 into x plus 2। देखिए नीचे लीनियर फैक्टर है, अगर लीनियर फैक्टर है तो इस वजह से हमको इसको ये लिखना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं, a upon x plus 1 plus b upon x plus। अब मेन काम हमें कैपिटल है और कैपिटल वी की वैल्यू निकालना। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत से लोग इसको कंपेयर के थ्रू निकालते हैं दोनों तरफ, बहुत से लोग वैल्यूज रख के निकालते हैं। मैं अभी आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा जिससे आपको इजी लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन x plus 1 into x plus 2, एलसीएम ले लिया जाए a x plus 2 b x plus 1 होल अपॉन x plus 1 into x plus 2, ये टर्म कैंसिल, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा a x plus 2 plus b x plus 1। अब यहां पुट करेंगे हम लोग x की वैल्यू माइनस 1, तो ये यहां तो 1 हो जाएगा, a माइनस 1 plus 2 प्लस बी माइनस 1 प्लस 1, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1। पुट एक्स इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 रख दो, यहाँ पे आ जाएगा 1 ए माइनस 2 प्लस 2 प्लस बी माइनस 2 प्लस 1, तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का बी। तो इस हिसाब से यहाँ बी की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आ जाएगी माइनस 1। तो हम लोग ए और बी की वैल्यू तो बड़ी आसानी से निकाल चुके हैं। इसका देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इस ए और बी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, क्योंकि यहीं से मेन वर्क होना है। इक्वेशन नंबर 1 तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज ये देखो, हमने क्या देखा कि ये जो पार्ट था हमारा भाई, क्वेश्चन का पार्ट तो हमारा ये था, इसी को हमें इंटीग्रेट करना था। अब ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से अलग अलग हो चुका है, जब अलग अलग हो जाएगा तब आप उसको नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x का dx हो जाता है, फिर आप उसको सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम पुट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन x plus 1 minus 1 अपॉन x plus 2 इंटीग्रेशन dx, दोनों को अलग अलग करें, 1 upon x plus 1 dx minus 1 upon x plus 2 dx, 1 upon x plus 1 का हो जाएगा log of x plus 1 minus log of x plus 2 plus का c। आप शायद इसको ऐसे लिख सकते हैं, log of log m minus log n, तो क्या हो जाएगा log m upon n, यानी कि x plus 1 होल अपॉन x plus 2 plus का c। यही हमारा इस वाले पार्ट का फुल इंटीग्रेशन आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे आपको ये। इस लेक्चर को जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको मिनिमम पर 2 मैक्सिमम 3 पार्ट में पूरा फुल कवर करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, इसमें बहुत सारे स्पेशल फैक्टर्स आएंगे, बहुत सारी कंडीशन आएंगी, स्पेशल प्रॉब्लम्स भी आती है जो बोर्ड एग्जाम में भी आपके आएंगे, तो फुल डिटेल में इसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है हमारा x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। तो सबसे पहली चीज लीनियर लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको करने के लिए आपको a और b में स्प्लिट
कैलकुलेट करना है, क्योंकि लीनियर फैक्टर सिंगल अल्फा बीटा है, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। तो अगर एलसीएम ले तो x x प्लस 1 इनटू x प्लस 2 इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 होल अपॉन x प्लस 1 इनटू x प्लस 2। x प्लस 2 x प्लस 1 कैंसिल आउट, x इक्वल a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 पुट x इक्वल टू माइनस 1 एक बार और एक बार x इक्वल टू माइनस 2। अच्छा ये निकल के कहां से आ रही है, ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना इसको एक बार जीरो के इक्वल कर दें, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना x प्लस 2 एक बार इसको मैंने जीरो के इक्वल किया था x की वैल्यू माइनस 2, एक बार सेकंड वाले पार्ट को जो x प्लस 1 दिख रहा है उसको जीरो के इक्वल करेंगे तो वहां से चीजें निकल करके आएंगी। मैंने इन्हीं दोनों को बस सॉल्व किया। और जैसे माइनस 1 अगर आप पुट करेंगे तो राइट साइड में जो लेफ्ट साइड है माइनस 1 ए माइनस 1 प्लस 2 प्लस बी माइनस 1 प्लस 1 ये तो हो जाएगा जीरो, यानी कि यहां से हमें a की वैल्यू मिलने वाली माइनस 1। अब जो x की वैल्यू माइनस 2 माइनस 2 इधर लेफ्ट साइड में पुट करें तो माइनस 2 ए माइनस 2 प्लस 2 प्लस बी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 ए इंटू 0 बी इंटू माइनस 1। तो इस हिसाब से बी की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। अब देखिए या तो आप इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, बात तो एक ही ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। हाँ अगर इक्वल वाले पार्ट को आप जो राइट साइड है इस साइड वाले पार्ट को इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर मैं बात इस वाले पार्ट की करूँ जो लेफ्ट साइड का इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, और करोगे तो फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले मेथड्स करो, नीचे मल्टीप्लाई करिए फैक्टर आ जाएंगे जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था लेक्चर नंबर 7 में। चलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 1 होल अपॉन x प्लस 1 और प्लस का 2 होल अपॉन x प्लस 2 इंटीग्रेशन dx, दोनों को अलग अलग हमको इंटीग्रेट कर लें, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 2 बाहर 1 अपॉन x प्लस 2 dx तो आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस का सी, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ पा रहे होंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको सॉल्व करने की, ये जो मेथड है ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैं वैल्यूज के थ्रू निकाल रहा हूँ, बाकी तो इसमें क्या किया था कंपेयर किया जाता है कि लेफ्ट साइड में x के कोफिशिएंट राइट साइड में x के कोफिशिएंट, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। हाँ कई केस ऐसे मिलेंगे अभी आगे जहां पर इन वैल्यूज को पुट नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर हमारे पास फिर मजबूरी हो जाएगी कि फिर हमें केवल और केवल कंपैरिजन के थ्रू इसको सॉल्व करना होगा, तो वो भी करेंगे बाद में, क्योंकि जब तक वैल्यू निकाल रहे तब तक तो निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि इससे आसान है भाई, कंपैरिजन के थ्रू क्या हो जाएगा थोड़ा सा टफ हो जाता है, टफ का टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग हो जाता है वो। तो चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आया x क्यूब प्लस x प्लस 1। तो सबसे पहला काम ये जो अपने को पता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है इसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑलवेज less than degree of denominator। तो पहले काम तो डिवाइड कर दें, डिवाइड भी कैसे करेंगे, x square minus 1 x cube plus x plus 1 तो x आ जाएगा x cube minus x 2x plus 1। लिखने का तरीका क्या है, quotient
प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इसी को मैं कर दूंगा इंटीग्रेट, इसी को क्या कर दिया जाएगा इंटीग्रेट। अब इसको अलग अलग कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, आप चाहे तो देखो यहां से बिना पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब ये तो एक स्पेशल केस ही आ गया एक तरीके से देखा जाए तो, 2x होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx, मैं इसको डायरेक्ट ही कर दे रहा हूं, पार्शियल फ्रैक्शन की यहां पे फिलहाल नीड ही नहीं पड़ रही इस क्वेश्चन में। यहां पे लग जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन, यहां पे डायरेक्ट फार्मूला, यहां पे डायरेक्ट फार्मूला। तो चलिए वो करते हैं, x के लिए क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन 2x होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन, ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस वाले पार्ट के लिए x स्क्वायर माइनस 1 को टिलेट कर लें, 2x आ जाएगा इधर, आ जाएगा हमारा dt by dx। तो 2x और dx की जो वैल्यू है हमें वो मिल जाएगी, हमारे लिए dt का काम कर जाएगी। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, x स्क्वायर by 2 प्लस dt होल अपॉन t प्लस 1 अपॉन 2a log of x minus a whole upon x plus a plus का c। तो x square by 2 1 upon t का जगह log t plus 1 by 2 log of x minus 1 whole upon x plus 1 plus c। t की जगह हम क्या लिख देंगे, x square minus 1। तो x square by 2 log of x square minus 1, 1 by 2 log of नोट कर लें इसको, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। तो देखिए यहां पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते तो हम कर सकते थे इसके बाद से, लेकिन पहला काम डिवाइड तो करना ही करना, वो तो कंपलसरी, उसके अलावा तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाते, वो तो पहले ही काम था। हाँ उसके बाद जरूर आप ये कर सकते थे कि आप पार्शियल फ्रैक्शन इसको कर सकते थे, लेकिन अब हो रहा था तो मैंने इसको फिर अलग अलग करके सेपरेट करके सॉल्व कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे एक बार फिर से, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है, x अपॉन x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 माइनस इनटू x माइनस 3। अब देखिए थ्री फैक्टर्स हैं, अब थ्री फैक्टर्स में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बड़ा लगने वाला है, लेकिन फिर भी आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने जो मेथड आपको सिखाया है इससे क्वेश्चन टफ होगा ही नहीं। तो चलिए आपको करते हैं इसको, सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले यहां पर आ जाएगा हमारा x होल अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, तो ये आपको मिल जाएगा a अपॉन x b अपॉन x माइनस 1 या x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। यहां पे आ जाएगा x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अगर यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, तो आ जाएगा a इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस। अब यहां पर अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन या फैक्टर की, तो b के साथ आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको देखिए हम लोग फिर से देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं किस तरीके से बनेगा b, ये x माइनस 1 और x माइनस 3 आ जाएगा इस बार, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस c, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 हम लोग यहां तक इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अरे देखिए जो नीचे का डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है तो कंप्लीट कहना
कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल a x माइनस टू इंटू x माइनस थ्री प्लस b। यहां पर हम लोग इसको x माइनस वन कर देते हैं इस प्लेस पे, x माइनस वन b x माइनस वन इंटू x माइनस थ्री प्लस c x माइनस वन इंटू x माइनस टू। अब देखिए क्या करना होगा यहाँ पे, तो पुट करना है भाई, तो पुट करना पड़ेगा आपको। पहली बात तो x इक्वल टू वन एक बार, x इक्वल टू एक बार, x इक्वल टू थ्री एक बार। ये तीनों वैल्यू हम लोग सीरियल से पुट करके देखते हैं। जैसे आपने वन पुट किया तो राइट से लेफ्ट साइड तो वन हो जाएगा, और इसमें अगर आप जब पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको a वन माइनस टू और वन माइनस थ्री। अगर आप बाकी पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर आप 1 लिखोगे तो 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, तो ओवरऑल ये दोनों वैल्यूज जीरो होने वाली है। तो 1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 इनटू माइनस 2 यानी कि 2a, a की वैल्यू आएगी आपकी 1 बाई 2। इसके बाद आगे की बात करें, 2 रखें तो लेफ्ट साइड में तो आपका 2 आ जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, लास्ट वाला पार्ट जीरो हो जाएगा b। 2 माइनस 1 2 माइनस 3 यानी कि आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 ओवरऑल आ जाएगा माइनस 1, तो b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी माइनस 2। बात करें c की, 3 पुट कर दें, a 3 माइनस 2 और ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर सेम फॉर दिस, b वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। हाँ बट c से वैल्यू आपको मिलने वाली है, तो 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2। अच्छा तो 3 माइनस 1 है, 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा और 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, यानी कि यहां से आपको मिल जाएगा 2। तो यहां से जो c की वैल्यू एग्जैक्टली मिलेगी दैट इज 3 बाई 2। a b और c की वैल्यू हम लोग अब निकाल चुके हैं, और बात वहीं जाकर के फंसेगी कि फिर हमें कहां रखना होगा इक्वेशन नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि आप चाहे इसको इंटीग्रेट करो जो लेफ्ट साइड लिखा है या राइट साइड भी लिखा है, आप इसको इंटीग्रेट करो बात एक ही। तो राइट साइड को इंटीग्रेट करना आसान है कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो हम चलिए इसको इंटीग्रेट करके देख लेते हैं एबीसी की वैल्यू को पुट करके। सबसे पहली बात तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 बाई 2, 1 बाई 2 पुट कर देते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस, बी की वैल्यू माइनस 2 है, होल अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस, सी की वैल्यू कितनी है 3 बाई 2, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 3। तो 1 बाई 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 3 बाई 2 लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस c। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि इन क्वेश्चन को हम किस तरीके से बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। इनके कुछ शॉर्ट्स भी मैं डालूंगा अभी बाद में, बहुत आसान तरीके से आपको कैसे फैक्टर करना, मतलब आप विद इन अ सेकंड, मतलब मैं मैक्सिमम बात करूं 30 सेकंड में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जितना ये लंबा सा प्रोसेस है, ये सब कुछ नहीं करना आपको, इससे भी जल्दी मैं आपको सिखा सकता हूं। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना, हमारे साथ जुड़े रहना लगातार, आपको मिलेगा बहुत जल्दी शॉर्ट इसका। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं नेक्स्ट। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है हमारा x अपॉन x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए जो x स्क्वायर प्लस 1 है ये बिन इसका तो फैक्टर हो नहीं सकता, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आपको देखना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग, x होल अपॉन x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल a अपॉन x माइनस 1 प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर x होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो x अपॉन एलसीएम क्या आएगा हमारा,
माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स माइनस वन। तो ये वाला पार्ट देखिए हमारा कैंसिल हो चुका है, x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी, आप चाहो तो x का मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी एक्स माइनस वन। हाँ देखिए x में माइनस वन एक फैक्टर तो फिलहाल दिख ही रहा है, नहीं तो वैसे कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा इस बार, तो पुट x इक्वल टू वन एक काम तो कर ही सकते हम लोग एटलीस्ट। तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ये आ जाएगा टू ए, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, इस हिसाब से हमारे ए की जो वैल्यू ये आ चुकी है, ए की वैल्यू हम लोग कर चुके हैं, एक्स की ए की वैल्यू आ गई हमारी 1 बाई 2। एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं, आप x इक्वल टू 0 हमेशा रख सकते हैं, इससे होता क्या है इससे कांस्टेंट टर्म कंपेयर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत से लोग इसको कांस्टेंट टर्म कंपैरिजन भी बोलते हैं, या x इक्वल टू 0 आप अपने ऑब्जर्वेशन में समझ लो, तो मैं यहां पे लिखूंगा अभी फिलहाल कंपेयर कांस्टेंट टर्म, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं कि मैंने लिखा जरूर ही है, लेकिन मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा सब जगह, तो यहां पे 0 तो 0 हो जाएगा, यहां पे 0 तो ये आ जाएगा a, ये तो ओवरऑल 0, ये आ जाएगा c, तो a इक्वल टू c आ चुका है, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू द हाफ, तो a और c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2। हां अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की, कंपेयर आंसर आ चुका है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि
अगर नीचे फैक्टर नहीं है, लीनियर फैक्टर नहीं है, तो हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं ना इसको, किस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग लास्ट में एट द एंड। जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 5x होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 9, बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करना जैसे अभी किया है। तो सबसे पहला काम, तो आप वीडियो को पॉज करें, दो मिनट खुद से सॉल्व करें, फिर इसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए देखिए मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। 5x होल अपॉन x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 9, यहां पर आएगा a अपॉन x प्लस 1, और ये फैक्टराइजेबल है नहीं इसलिए आएगा bx प्लस c होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। तो एलसीएम जब आप लेंगे डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद बचेगा 5x इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx इनटू x प्लस 1 प्लस c इनटू x प्लस 1। अब a b c की वैल्यू निकालना हमारा काम है, तो पुट x इक्वल टू माइनस 1, तो इस साइड तो माइनस 5 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आ जाएगा 10 a, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो जो a की वैल्यू आपको मिली दैट इज माइनस हाफ। मैं अगर आप डिवाइड कर दें तो 5 बाय 10 क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 हो जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी है। कंपेयर कॉन्स्टेंट टर्म, कहने को आप कंपेयर कर रहे हैं कॉन्स्टेंट टर्म को, लेकिन पुट क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पुट कर लो तो लेफ्ट साइड तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9a, ये 0, ये आ जाएगा c प्लस का, तो c की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस ऑफ 9a, और a की वैल्यू माइनस ऑफ, मैं बता ही चुका हूं, a की c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2। अच्छा ये a और c की वैल्यू आ चुकी है, अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आप लिखते हैं कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए लेफ्ट साइड तो है ही नहीं कुछ, हाँ राइट साइड पर आपको मिल जाएगा a प्लस b, यानी कि b की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो b की वैल्यू आपको मिलने वाली है माइनस a, माइनस 1/2, तो माइनस की जगह फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस तो है ही है। अब a b c की वैल्यू को हम लोग निकाल चुके हैं जब तक इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। चलिए तो a की वैल्यू माइनस हाफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस bx, b की वैल्यू भी 1/2 है, अलग अलग करना है 1/2 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 dx, और c की वैल्यू भी हमारी 9/2, 9/2 इंटीग्रल 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, इसको हम लोग t लेट करेंगे और इसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, जो जरूरत है हमें dx उसको हम लोग निकाल लेंगे। देखिए माइनस का 1/2 ये तो हमारे लिए बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/4 इंटीग्रल 1/t dt प्लस 9/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो माइनस का 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस का 1/4 log t प्लस 3/2 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c। अब देखिए t की वैल्यू हमारे लिए क्या है, x स्क्वायर प्लस 9, उसको हम लोग पुट कर देते हैं, प्लस 3/2 एज इट इज रहेगा ये tan इनवर्स x by 3 प्लस, और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आ चुका होगा। तो आई होप आज का जो लेक्चर
लेक्चर आपने बहुत एंजॉय किया होगा, थोड़ा सा स्पेशल भी था क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन आ चुका है। इसके हम लोग 3 लेक्चर करेंगे, ये आज पार्ट नंबर 1 था, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 करेंगे, फुल डिटेल में कवर करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को। बोर्ड में पार्शियल फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आना डेफिनेटली तय है, इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ लगातार बने रहना है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आप खुद देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है फॉलो अस फॉर फुल सिलेबस ईयर लॉन्ग कंप्लीट, आपको पूरे साल सीरीज हमारी मिलती रहेगी कंटिन्यू बैक टू बैक, सिलेबस आपका जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा कंटिन्यू रहेगी सीरीज। और सिलेबस होने के बाद कोशिश हम लोग ये करेंगे कुछ मैराथन क्लास करेंगे जिसमें हम लोग आपका सिलेबस भी रिवाइज करा पाए, तो प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, अपना ध्यान रखें और एंजॉय करें। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।